हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड विथ मी योर साइंस टीचर. सो टुडे इन दिस वीडियो वी वुड लाइक टू स्टार्ट चैप्टर 8, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो वी वॉन्ट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स बिगिन. सो उड़ीसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. You can see this type of variation, satellite variation है जो cyclone हुआ था उड़ीसा में. So students, उड़ीसा में दो बार ऐसे cyclone hit हुए थे 1999 में, और उसी year एक और बार हुआ था, दो बार. तो उस time उसका temperature भी बहुत ज़्यादा था, उसमें से 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे, उनके पास कोई घर ही नहीं था. और वो उस टाइम बहुत सारे लाइफ, मतलब बहुत सारे लोग की डेथ भी हो गई थी ये साइक्लोन के वजह से. और जो प्रॉपर्टीज़, मतलब करोड़ों के पैसे की प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सब में वो इफेक्शन हुआ था. इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी जब ये साइक्लोन आया था. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये इमेज है, फ़ोटो है, सैटेलाइट के थ्रू साइक्लोन में किस तरह से उड़ीसा में अप्रोच किया था, ऐसा था पिक्चर इसका. ओके, बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव. In this chapter, we shall seek answers to some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called a wind. So 8.1, air exerts pressure. Activity 8.1. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. So this one is an activity, students. You need to boil water in the following activity. इसमें आपको पानी को boil करना होगा. So take a tin can with a lid. Fill it approximately half with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Obviously, candle flame में तो पानी boil होगा ही नहीं. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle immediately. Put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot pan. अब see, it is not confirmed that you have to boil the water from candle flame. You can have the gas, that one also. So if you are, the metal vessel would be heated, so obviously the water would be boiled, right? हम लोग पानी गर्म करेंगे तो उसका जो फ्लेम, जो हीट है मेटल का, जो पकड़ने का जो फैंसली होता है वेसल का, वो हीट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो पानी गर्म हो गया, राइट. सी, कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेस्ट डिस्टॉर्टेड. बिकॉज ये इसलिए हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग ने उस वेसल में गर्म पानी डाल दिया था, मेटल के वेसल में. तो ऑब्वियसली आप गर्म पानी करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, वो एकदम उसके शेप्स डिफरेंट, इनडिफिनिट शेप्स हो जाएंगे. तो इस तरह से, इसके वजह से ये पूरा का पूरा ऐसा शेप हो चुका स्टूडेंट्स. ओके, सो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको शॉर्ट में बताया स्टूडेंट्स. अब हम लोग 8.2, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे. इसमें भी एक्टिविटीज़ ही है. सो लेट्स सी एक्टिविटी 8.2. स्क्रम्बल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इन टू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल.
जस्ट इनसाइड इट्स माउथ. सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक बॉटल के अंदर छोटा सा पेपर आप गोल करके अंदर रख दो और उसमें फिर आप फूंक मारोगे तो ऑब्वियसली वो पेपर नीचे तरफ जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनली हवा का फोर्स जो है वो उस तरफ भेज रहा है, इसलिए वो पेपर ऑब्वियसली फोर्स के वजह से बॉटल के अंदर चला जाएगा. तो ये हो गया एयर प्रेशर, हम लोग एयर के थ्रू प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर. अब देखो दूसरी एक्टिविटी है 8.3. अब आपको दो बलून लेने हैं इक्वल साइज़ में और एक थ्रेड लेना हो या एक पूरी रस्सी लेनी है उसमें आपको लगा देना है. अब आप ब्लो करो, आप फूंक दो और किस तरफ से वो बलून्स साइकिलिंग हो रहा है, मतलब किस तरह से हवा की वजह से वो अप एंड डाउन हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा. इसलिए इसको बोला गया है एक्टिविटी को ब्लो द बलून्स. ओके, अब देखो एक्टिविटी 8.4. इसमें पूछा गया है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, आप ब्लो करके उसको उठा सकते हो. तो सी ये वाली, ये जो आप, ये गेम भी है एक्चुअली, आप देख सकते हो कि एक ये पाइप जैसा है उसके अंदर आपको स्ट्रिप ऑफ पेपर, ये एक पेपर है एक्चुअली स्ट्रिप ऑफ पेपर, इसको आपको फूंक के थ्रू इसको हवा में ब्लो करना है. यू कैन सी द पर्सन इज़ डूइंग राइट नाउ. देखो एक तो नीचे था फिर हवा की वजह से वो प्रेशर बढ़ा और वो पूरा का पूरा थोड़ा वेसली वे में चला गया, राइट, वर्टिकली वे में चला गया. तो ये हुआ ब्लोइंग ओवर अ स्ट्रिप ऑफ पेपर स्टूडेंट्स. ये सारे एक्टिविटीज़ आप इजीली घर पे कर सकते हो, दैट इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो स्टूडेंट्स. ओके, सी व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड. जो हम लोग बॉटल में माउथ फूंक मारेंगे तो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से वहाँ जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है. तो एयर जो प्रेशर है बॉटल के अंदर वो ज़्यादा ही हो जाएगा. तो जो एयर है बॉटल के अंदर और जो पेपर हमने रखा तो वो ऑटोमेटिकली वो पीछे चला गया. ये एक्टिविटी 3 में ये है. अब देखो हम लोग बात करेंगे, वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड एकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स. अब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा हवा, मतलब तूफानी जैसी हवा रूफ बिल्डिंग के रूफ में हो और वो रूफ बहुत ज़्यादा वीक हो तो ऑब्वियसली वो रूफ जो है वो लिफ्ट होके चला निकल जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट. ऐसे हम लोग ने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे कि जब साइक्लोन आता है तब ऊपर के रूफ ऐसे हवा में उड़ उड़ के कहीं और ही चले जाते हैं, राइट. तो वो जो प्रेशर होता है उसको एयर प्रेशरिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो जो एयर मूव्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. और जो एयर मूव्स होता है रीजन टू रीजन, एक जगह से दूसरी जगह रीजन टू रीजन और बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर के वजह से, तो वो एयर प्रेशर कभी हाई भी होता है और कभी कभी लो भी होता है. तो इसको हम लोग पूरी की पूरी एयर प्रेशर वोकैली बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी 8.3 एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग. एयर किस तरह से एक्सपेंस करेंगे हीटिंग के थ्रू. तो एक्टिविटी 8.5 में क्या बोला गया है देखो, आप टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. ओके, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ बलून इन द हॉट वाटर. ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून. टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. टेक सम आइस कूल वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स. देन ऑब्जर्व दिस वन. सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक बलून लिया गया है जो उसको नेक के थ्रू बॉयल पानी में रखा गया है और एक तरफ है एकदम हॉट वाटर है और एक तरफ एकदम कोल्ड वाटर है. तो आप डिफरेंस देख सकते हो इस पिक्चर में, एक तरफ एक स्ट्रेट है, एक में तो मतलब हवा ही नहीं आया है, ठंडा पानी जो है, और एक जो नॉर्मल पानी है उसमें भी वैक्यूम नहीं है. तो ये सारे शेप होते बलून के जब आप हॉट और कोल्ड वाटर में पानी रखते हो. ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 8.6 देखेंगे. आपको दो पेपर बैग्स लेने हैं और एम्प्टी पेपर कप्स भी चलेंगे. एक तरफ आप उसको जलाओ
हॉट एयर प्रेशर की वजह से और एक तरफ मत करो, तो ऑब्वियसली वो जल के बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये जल रहा है राइट, इस तरफ जल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ तरफ दूसरे पार्ट में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक तरफ ज़्यादा ही प्रेशर आने की वजह से वो वहाँ से गिर जाएगा। देखो पहले पिक्चर में क्या है, दोनों इक्वल है राइट, दोनों इक्वल है। अब एक तरफ हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस तरफ इसका बैलेंस डिसबैलेंस होगा और वो वन साइडेड प्रेशर आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग एयर प्रेशरिंग राइजिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल गो फॉर इट 8.4। विंड करेंट्स आर जनरेटिंग ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। दिस सिचुएशंस आर ए नंबर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के बीच में अनहीटिंग इन्वायरमेंट। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि मैक्सिमम हीट कहाँ होती है, सन के सामने जब हमारा इक्वेटर आता है तब, तो उस टाइम जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है और उस टाइम ज़्यादा गर्म हवा और ठंडी हवा भी चलती है, तो जो हमारे रीजन्स है वो 0 to 30 degree लैटिट्यूड बेल्ट में है, उसमें इक्वेटर के सारे साइड वो रिमूव करते रहते, चेंज होते रहते, तो देखे तो विंड के भी ब्लोज चेंज होते हैं, नॉर्थ टू साउथ भी हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है, तो जो पोल्स होते हैं और जो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है लैटिट्यूड के थ्रू, वो 60 degree में चलती है, इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलर रीजन्स में जैसे कि अटलांटिक और अंटार्कटिका वो सारे रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बैलेंस। स्टूडेंट्स सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द विंड ब्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। देखो आप देख रहे हो कहीं ऊपर से जा रहा है कहीं नीचे से हवा जा रही है, तो इसके वजह से इसके एयर प्रेशर के वैक्यूम में चेंजेस होता है स्टूडेंट्स। ओके सी द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो स्टूडेंट्स जो विंड्स है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाता है, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली एक चेंज आएगा डायरेक्शन में और वो चेंज को क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब दूसरा पार्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीट हम लोग करेंगे लैंड और वाटर को, तो जो समर है समर के टाइम में इक्वेटर में लैंड में हवा बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट चलती है और इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है राइट। समर के टाइम में हमें बहुत गर्मी होती है, तो वो जो ओशंस के वाटर पानी है वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है एंड इसके वजह से जो विंड्स होते हैं वो लैंड के थ्रू आता है, हवा लैंड के थ्रू आता है, तो इसके वजह से गर्मी समर वेकेशन के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अब देखो जब मॉनसून आता है तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्लाउडी वेदर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं हमारे कंट्री के वो मॉनसून के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हार्वेस्ट होता है राइट। उस टाइम बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं क्लाउड्स और रेन की वजह से और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं जब बारिश होती है तब। अब सी, यू कैन सी दिस वन, ये है पिक्चर अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। यहाँ से इंडियन ओशन में बहुत सारा पानी ये लोग कैरी करते हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है समर के टाइम में। ये हाँ, ये है उसका पिक्चर स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर वेयर द थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ऑक्यूपाइड। The two thunderstorms and cyclones also occupied over this equation. See, uneven heating of land and water in winter. Winter के time में एकदम uneven heating होती है, कभी गर्मी कभी बारिश ऐसा होता है ना, और winter के time में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस time में और ज़्यादा ठंड हो जाएगी जब बारिश हो जाएगी तब, तो by chance उस time में thunderstorms और cyclone आ गया तो वेदर पूरा का पूरा डिजास्टर हो सकता है राइट स्टूडेंट्स।
सो अब ये वीडियो मैं यहाँ तक रखती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस विथ यू इन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके सो टिल देयर आई विल सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8. टिल देयर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. एंड इफ यू हैव एनी क्वायरी सो यू कैन जस्ट आस्क मी बिलो देयर. सो बाय एंड टेक केयर.